हेलो एंड वेलकम टू मास्टर क्यू। हेयर वी डिस्कस मिस्टीरियस व्हाई, लॉजिकली व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग, टॉपिक्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एम टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। टू स्टे ट्यून्ड, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक क्यूब एंड डाइस को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि क्यूब एंड डाइस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हम उसे सॉल्व करने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्यूब क्या होता है। तो क्यूब देखिए, आप यहाँ पे एक क्यूब देख पा रहे हैं जो कि एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, ये आपके कॉर्नर्स हैं जिसे आप कोना भी बोलते हैं। इसके बाद इसमें 6 सरफेस होते हैं, ये आपके सरफेस हैं जिसे आप सतह बोलते हैं। और इसमें 12 एजेज हैं, किनारा, ये आपका किनारा है, ये 12 होते हैं। इसके बाद आप इसमें जानिए कि सेंट्रल क्यूब क्या होता है। सेंट्रल क्यूब जो एकदम बीच में आपका क्यूब पड़ रहा है, ये वाला, ये आपका सेंट्रल क्यूब है। इसके बाद मिडिल क्यूब क्या होगा, जो आपका दोनों कोने के बीच में, ये दोनों कोने हैं इनके बीच में जो पड़ रहा है, ये आपका मिडिल क्यूब है। और ये आपका जो है, ये है आपका कॉर्नर क्यूब। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि यदि एक बड़ा क्यूब को लिया और उसे चारों तरफ एक ही कलर से पेंट किए और उसे फिर छोटे छोटे पार्ट में काट दिए, तो उसमें जो छोटा छोटा क्यूब मिलेगा उसका स्पेसिफिकेशंस क्या होगा। सबसे पहला चीज़ है कि जो छोटा छोटा क्यूब मिलेगा उसमें से 3 सरफेस पेंटेड हो, ऐसा कितना क्यूब मिलेगा। तो आप देखिए, 3 सरफेस पेंट होने वाले क्यूब कहाँ पे है, ये कॉर्नर मिल रहे हैं जिसके 3 सरफेस पेंट होंगे। तो कॉर्नर्स कितने हैं, 8। तो आपको क्यूब भी कितने मिलने वाले हैं जिसके 3 सरफेस पेंट होंगे, 8। नेक्स्ट है आपका कि 2 सरफेस पेंट किया हुआ क्यूब कितना होगा। तो 2 सरफेस पेंट किया हुआ क्यूब कौन सा होगा, जो आपका यहाँ पे किनारे में है, जिसे हमने मिडिल क्यूब बोला था। ठीक है, तो ये मिडिल क्यूब कितने हो सकते हैं। तो आप मिडिल क्यूब के लिए देखिए, आपका जो कॉर्नर क्यूब है उसको आप छोड़ दें तो बाकी के जो क्यूब हैं वो मिडिल क्यूब होंगे। ठीक है, हर किनारे का। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि n क्या है, n जो हमारा बड़ा क्यूब है उसका साइज़, उसका एक साइड का साइज़ जो है, डिवाइड बाय जो छोटे क्यूब्स के जो साइज़ हैं वो है। ठीक है, लार्जर क्यूब का जो साइज़ है प्लस जो स्मॉलर क्यूब्स कट के बनने वाले हैं वो। तो इसमें देखिए आपके कितने बनेंगे, आप जितने टाइम्स उसे कट करेंगे उतना आपका एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यदि इस फिगर के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका 2 बार कट किया गया, मतलब यहाँ पे 3 आपके एन आएंगे। ठीक है, तो एन को यदि हम लोग यहाँ पे 3 मान लें, तो आप देखिए 3 में से आपका 2 ठो तो आपका कॉर्नर में जा रहा है, तो इसको 2 माइनस कर देते हैं, तो आपका एक एज में कितना आ रहा है, 3 - 2 जो है वो आपका आएगा, जिसका 2 सरफेस पेंट है वैसा क्यूब। तो आपके यहाँ टोटल 12 एजेस हैं, तो हर एज में आएगा, तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं 12 से। ठीक है, तो आपका आ गया 3 - 2 × 12। ये जो आपका आया, ये आपका वैसे क्यूब्स जिसका 2 सरफेस पेंट किया हुआ। उसी को यदि आप एक फॉर्मूले में लिखना चाहें तो 2 सरफेस जिसका पेंट किया हुआ उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, n - 2, क्योंकि n है आपका टोटल एक साइड में आपका कितना छोटा छोटा क्यूब बन रहा है, उसमें से 2 आपके कॉर्नर्स के हैं उसे हमने छोड़ दिया, और ये हमारा बन गया एक एज का। इसको यदि हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है कि टोटल एक क्यूब में हमारा कितना ऐसा छोटा छोटा क्यूब मिला है जिसका 2 सरफेस पेंट किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास कि कितने क्यूब ऐसे होंगे जिसके सिर्फ एक सरफेस पेंट किए होंगे। तो आप यहाँ से देखिए, इस क्यूब में कौन से क्यूब ऐसे होंगे जिसके एक सरफेस पेंट किए होंगे, तो जो आपका सेंट्रल क्यूब है वो सारे क्यूब्स जो हैं उनके सिर्फ 1 ही सरफेस को पेंट किया हुआ मिलेगा जब हम लोग काट के निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए, इस तरह से एक फेस को हम लोग लेते हैं। अब इस फेस में हम लोगों ने जब कट लगाया तो हम लोग मान लिए कि इस तरह से हमने कट लगाया है, इसको नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4। अब मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर का है और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इसमें से देखिए, आपका जो हम लोग मिडिल का निकालना चाह रहे हैं वो मिडिल का आपका सिर्फ इतना आएगा। तो यदि आप इसको निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे, इसका साइड कितना रिड्यूस किया, ये देखिए आप। सबसे पहले इसका साइड यहाँ से यदि हम लोग देखें तो रिड्यूस कर गया कितना, टोटल यदि हम इसे ही n मान रहे थे तो n लिखें, तो n में से 2 जो आपका
कॉर्नर वाले थे, ये रिड्यूस कर गए इधर से, ठीक है। और उसी तरह से आपका इस साइड से जब देखेंगे इस साइड के लिए, तब भी आपका n माइनस टू रिड्यूस किया, तो बच गया जो आपका यहाँ पे ये वाला पोर्शन, जो कि आपका एक स्क्वायर बना रहा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, n आपका साइड का स्क्वायर। तो साइड आपका कितना आ रहा, साइड आ रहा है n माइनस टू, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपका एक सरफेस में कितना ऐसा क्यूब मिल रहा है जिसका वन सरफेस पेंट है, ये निकल जाएगा। लेकिन आपको निकालना कितना का है, सिक्स सरफेस का। तो आप इसे सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप सिक्स से जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक क्यूब में कितने सारे छोटे क्यूब्स मिले हैं जिसका सिर्फ एक ही सरफेस पेंट किया हुआ। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला भी मिल गया, ये जो आप फॉर्मूला यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोल रहा है कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसका एक भी सरफेस पेंट किया हुआ नहीं है। तो ऐसे क्यूब कौन होंगे, ऐसे क्यूब वही होंगे जो आपके इनर में पड़ रहे हैं। जो आपके आउटर में है वो सारे तो पेंट हो गए हैं, इनर में है वो पेंट नहीं होंगे। तो अभी हमने एरिया तक निकाल लिया था, अब हमें एक डेप्थ भी छोड़ना है। डेप्थ क्यों छोड़ना है, क्योंकि आउटर वाले को छोड़ना है। तो डेप्थ भी आपका, जैसे हमने जब सरफेस निकाल रहा था तो छोड़ा था किनारे किनारे का, तो दो छोड़ दिया था, एक इस किनारे के लिए और एक इस किनारे के लिए। उसी तरह से ब्रेथ के लिए गया तो ये और ये छोड़ा था। उसी तरह जब आप हाइट के लिए जाएंगे तो हाइट के लिए आपको ये और इसी तरह से ये पोर्शन भी छोड़ देना होगा। तो आपका सिर्फ सेंट्रल वाला पार्ट जो है, इनर पार्ट, वो बच जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने वहाँ किया था n माइनस टू, ये आपका किसके लिए, मान लीजिए लेंथ के लिए है, तो उसी तरह ब्रेथ के लिए भी एक तो n माइनस टू आएगा, और फिर उसी तरह से हाइट के लिए भी एक n माइनस टू आएगा। और जब आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को एक छोटा छोटा पोर्शन छोड़ देते हैं एक छोटे छोटे क्यूब्स के लिए, तो आपका जो सेंट्रल पार्ट बच जाता है, जो इनर पार्ट बच जाता है, वो निकलता है। तो ये हो जाएगा n माइनस टू का क्यूब। अब बोलिए कि क्या एक क्यूब में ऐसे इनर पार्ट्स बहुत सारे होंगे, क्या नहीं हो सकते, तो इसलिए इसे हम लोग किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है n माइनस टू का होल क्यूब, इससे हम लोग निकालते हैं कि इनर में कितने सारे क्यूब हैं जो कि हमारे पेंटेड नहीं हैं, किसी भी सरफेस में पेंट नहीं लगा है। यहाँ पे सेम से लिखा हुआ है कि n क्या है, तो n है लेंथ ऑफ एज ऑफ बिग क्यूब और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ एज ऑफ वन स्मॉलर क्यूब। आगे आता है डाइस के बारे में, हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग क्यूब का पोर्शन ख़त्म हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि डाइस भी एक क्यूब है, लेकिन इसमें क्या होता है, हर सरफेस को एक नंबर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर सरफेस में नंबर है 5, 4, 3, आपको तो यही दिख सकता है। यहाँ पे थ्री डायमेंशन होता तो हम लोग घुमा के भी देख पाते, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वर्डनरी डाइस किसे बोलते हैं और स्टैंडर्ड डाइस किसे बोलते हैं। तो वर्डनरी डाइस वो डाइस है जिसका सम ऑफ अपोजिट साइड कभी भी 7 नहीं होगा, वो डाइस आपके वर्डनरी डाइस हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस क्या है, स्टैंडर्ड डाइस वैसे डाइस है जिसका सम जो होता है अपोजिट साइड का, वो हमेशा 7 होगा, और जो एडजेसेंट साइड है, जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट मतलब जो बगल का है, जैसे वो छू रहा है, जैसे आपका 1 और 4 ये एडजेसेंट हो गए, 1 और 5 ये एडजेसेंट हो गए, तो ये सारे जो हैं ये कभी सम करके 7 नहीं बना सकते हैं। यदि ये 7 बना लेते हैं, इसका मतलब है कि वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो जनरली आपको क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वर्डनरी डाइस से पूछा जाता है। स्टैंडर्ड डाइस से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टैंडर्ड डाइस से आपको कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, बस आपको सिंपल सा एक ही चीज़ पर पूछ सकता है कि आप बस बता दीजिए कि 1 के उल्टे में क्या होगा, 4 के उल्टे में क्या होगा। तो आप इसे सिंपल ऐड करके निकाल सकते हैं कि 1 के उल्टे में क्या होना है, 2 चीज़ का सम 7 होना है, तो 1 के उल्टे में देखिए 7 माइनस 1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 6 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन वर्डनरी डाइस का ऐसा नहीं, वर्डनरी डाइस में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपोजिट साइड का सम जो है वो 7 नहीं होगा, बस आपको इस बात को याद रखना। अब आगे देखिए आपकी डाइस का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ से इधर है आपका डाइस का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप एक डाइस लीजिए, मान लिया कि ये एक हमारा डाइस है, अब इस डाइस में यदि हम एक एक करके लेयर खोले, तो ऐसे मानिए कि ये जो आपका चारों लेयर है, ये चारों लेयर को सीधा खोल दिया गया, तो ये चारों लेयर आपका इस तरह से आ सकता है, तो उसी चीज़ को लिखा गया 2, 3, 4, 5 आ गया। और दूसरा जो आपका ऊपर वाला लेयर है ये ऐसे खोल दिया गया, जिसको हमने 1 मान लिया, और जो नीचे का लेयर है उसे ऐसे खोल दिया गया, तो उसे हमने 6 मान लिया। तो एक आप इस टाइप से खोल सकते हैं। यदि आप इस टाइप से खोलते हैं तो देखिए 1 और 6 जो ऊपर का है और नीचे का है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट पड़ेगा। उसी तरह से आप इसके साथ अपोजिट कौन सा पड़ रहा है, पीछे का, और उसी तरह से आपका इसके साथ कौन सा अपोजिट पड़ रहा है, इस फेस वाला।
तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि जो आपका 1, 2 और 3 और 4 है और 5 है और 6 है, उसका पोजिशन क्या होगा। यदि आप इस तरह से खोलते हैं तो आपका 2 के अपोजिट में 4 आएगा, एक को छोड़ के, क्योंकि आप देखिए यहाँ 2 के एडजेसेंट में क्या है, 1 लगा हुआ है, और 2 के एडजेसेंट में और क्या है, 3 भी है। तो आपका अपोजिट क्या जा रहा है, 4 जा रहा है। उस तरह से 3 के अपोजिट क्या जाएगा, एक छोड़ के आप एक आगे बढ़ जाइए तो आपको मिलेगा 5। उस तरह से 1 के अपोजिट में क्या जाएगा, 6। उसी डाइस को यदि अलग तरीके से खोलते हैं तो उसी डाइस को खोलने से फिर आपको एक ये शेप भी मिल जाएगा, और ये शेप यदि मिलता है तो इसमें भी आप एक कॉमन चीज़ देखिए कि एक को छोड़ के एक, जैसे हम किसी भी तरह से खोल रहे हैं तो एक को छोड़ के जो दूसरा आ रहा है वो आपको अपोजिट साइड बनेगा। जैसे यहाँ 1 और 3 अपोजिट बनेगा, इसके बाद आपका 2 और 5 अपोजिट बन रहा है, 4 और 6 अपोजिट बन रहा है। दूसरा, यदि आप डाइस को इस तरह से खोलते हैं तो डाइस को इस तरह से खोलने से आपको क्या क्या मिलेगा, 1 और 4 आपको अपोजिट मिलेगा, एक को छोड़ के एक है, 3 के बाद एक छोड़िए 4, 6 जो है वो आपको अपोजिट मिलेगा। उसी तरह से आप 2 के बाद 5 जो आपका दूसरे साइड पड़ रहा है वो आपको अपोजिट मिलेगा। और यदि आप डाइस को इस तरह से खोलते हैं, जनरली हम लोग इसी फिगर को यूज़ करते हैं जब हम लोग को खुद से डाइस को खोलना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको इस तरह से डाइस दे दिया जाता है और आपको बोलता है क्या बताइए इसके अपोजिट में क्या पड़ रहा है, तो उसके लिए ये सारे चीज़ को आपको याद रखना है कि जो उसके बगल में, जस्ट बगल में पड़ रहा है वो तो कभी उसके अपोजिट में हो नहीं सकता है। उससे आप यदि एक आगे बढ़ जाते हैं, एडजेसेंट वाले को छोड़ के नेक्स्ट पे जाते हैं, तो वो उसके अपोजिट में पड़ रहा होगा। और जो आपका दोनों साइड निकलता है, जैसे ये सीधा लाइन बन गया, सीधा लाइन के बाद जो आपका दूसरा साइड निकलता है, ये आपका साइड निकला है, ये आपका साइड निकला है, तो ये दोनों जो साइड निकलते हैं ये साइड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन यदि हम लोग को खुद से डाइस को खोल के बनाना है तो हम लोग इस फिगर को यूज़ करते हैं। इस फिगर को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये फिगर बड़ा सिंपल हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, 1 के बाद 3 आपको सीधा लाइन को छोड़ना है, 5 में आ जाना है, यह इसका अपोजिट होगा। 3 के बाद आपको 5 को छोड़ना है, 6 आपका सीधा अपोजिट हो जाएगा। 2 के बाद आप सीधे लाइन में जाएंगे तो 3 को छोड़ के 4 में जाएंगे, वो आपका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप फिगर को इस तरह से भी खोल सकते हैं। यदि इस तरह से आप किसी डाइस को खोलते हैं तो आपका क्या होगा, फिर से वही सेम फंडा है, 1 लेंगे, उसके बाद वाले 3 को छोड़ेंगे और 4 जो है वो आपका अपोजिट का आ गया। और उसी तरह से आप यदि 2 लेंगे तो हमने बोला था कि इस फेस में जो खुला हुआ है वो दूसरे फेस में जो खुला है उसके अपोजिट होगा, तो 2 6 के अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट आप यदि 3 को लेते हैं तो 1 4 को छोड़ेंगे और 5 आपका अपोजिट हो जाएगा। तो आपको 1 को छोड़ के 1 अपोजिट मिलता जाएगा। आप नीचे से भी चलेंगे तो आपका सेम कंडीशन आए, क्योंकि ऊपर से 1 छोड़ के आ रहे हैं तो नीचे से भी 1 छोड़ के जाना। ठीक है, हम लोग डाइस का कुछ रूल्स और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे डाइस के लिए बोला जाता है एक फेस जो है उसके एडजेसेंट में 4 फेसेस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 2 फेस यहाँ पे दिया हुआ और ये 2 फेस यहाँ पे दिया हुआ, इसके बाद का जो फेस आएगा वो इसके अपोजिट होगा। जैसे यहाँ का बात करें तो 1 के एडजेसेंट में क्या है, 3 है और 5 है, उसी तरह से यहाँ पे 2 होगा 3 के अपोजिट में, और 5 के अपोजिट साइड में आपका 6 होगा, और जो आपका बच गया जो कि क्या है, 1 2 3 मिल गया आपको, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 4 बच गया आपका, तो 4 जो है वो 1 का अपोजिट फेस होगा। आप रूल को समझ गए होंगे, रूल यही बोल रहा है कि एक डाइस में किसी एक फेस के एडजेसेंट में 4 फेस होंगे और जो अगला फेस होगा जो कि एडजेसेंट में नहीं है वो उसके अपोजिट में होगा। तो ऑब्वियस ये चीज़ होना है क्योंकि एक डाइस में 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस में एक फेस को आपने पकड़ लिया, उसके एडजेसेंट के 4 फेसेस आपको मिल गए, तो 5 फेस तो मिल चुका है, तो आपका 6ठा फेस बच गया, वो 6ठा फेस क्या होगा, वो 6ठा फेस अपोजिट फेस होगा। नेक्स्ट आपका बोला जाता है कि एक डाइस है, एक डाइस जिस पोजिशन में रखा हुआ है सेम उसी पोजिशन में एक दूसरा डाइस का भी आपको फिगर दिया हुआ, तो आपका जो फर्स्ट फेस है उस पोजीशन पे जो दूसरा फेस दिखाया जा रहा है वो फेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी तरह से जो आपको सेकंड फेस दिख रहा है उसके सेम पोजीशन पे जो दूसरे फिगर में जो फेस दिख रहा है वो उसके अपोजिट होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझिए। सबसे पहले आप इस फिगर को देख पा रहे हैं, अब मानिए कि यहाँ पर आपका उल्टा मानते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ और यहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ। आप जैसे ही इसे ऐसे रोटेट करते हैं तो सबसे पहले 2 आपका इस फेस पे आएगा और 3 आपका यहाँ पे जाएगा। इसके बाद एक बार फिर से रोटेट करते हैं तो आपका 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा और 4 जो है वो आपका ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका कभी सही नहीं हो सकता है। सही कब होगा, जब आपका यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। और यहाँ पर 3 और 2 आने के लिए क्या चाहिए आपको,
ये थ्री और टू आने के लिए आपको यहाँ पे टू चाहिए और यहाँ पे थ्री चाहिए। तो इसी चीज़ को ये बोलना चाह रहा है, आप इसे सिंपली एक क्यूब को पकड़ के उसे घुमा के भी समझ सकते हैं कि किस तरह से ये घूम रहा है। यहाँ बस यही बोलना चाह रहा है कि आपका सेम पोजीशन पे सेम ही टाइप का फिगर दिया हुआ है, तो जो एक पोजीशन पे जो एक फेस दिख रहा है वही दूसरे पोजीशन पे जो दिख रहा है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि यदि आप किसी एक फिगर में क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे यहाँ पे क्लॉकवाइज चल के दिखाया गया, तो उसमें थ्री के बाद आपको टू मिला, टू के बाद वन मिला। आप दूसरे फिगर में यदि सेम क्यूब का एक फिगर और दिया हुआ उसमें किसी एक पोजीशन पे एक सेम लेटर मिल जाता है, जैसे यहाँ पे थ्री था यहाँ पे भी हमें थ्री मिल गया, तो उससे भी यदि आप क्लॉकवाइज चलेंगे ठीक है, तो जो जो आपको फेस मिलेंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जैसे आपको यहाँ थ्री के बाद क्या मिला है टू ठीक है, तो आप यहाँ पे थ्री के बाद क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है फाइव, तो टू और फाइव जो है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। उस तरह से टू के बाद आपको मिला फिर वन, तो वन और यहाँ फाइव के बाद क्या मिला फोर, तो वन और फोर एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ये भी एक्सप्लेनेशन सेम इसी फिगर के जैसा ही है ठीक है, बस यहाँ पे हमें सेम पोजीशन पे मिल जा रहा था, यहाँ पे हमें रोटेट करके दिखाया गया। आप इसे समझिए, आप इस फिगर में इस फिगर को एक बार आप डाउनवर्ड घुमाइए, जैसे आप डाउनवर्ड घुमाएंगे तो क्या होगा तीन पाँच वाले फेस पर आ जाएगा, और यहाँ जो डाउनवर्ड फेस है डाउनवर्ड फेस पर आपका पाँच आ जाएगा और चार अपने ही पोजिशन पर रहेगा। अब आप एक बार इसे चार वाले पोजीशन को ऊपर ले जाइए, जैसे आप चार वाले पोजीशन को ऊपर ले जाएंगे इस पोजीशन को, तब आपका फिगर में आपको क्या मिलेगा उसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये क्यूब है, आपने इसमें कैसे कैसे रोटेट किया वो भी मैं यहाँ दिखाने का कोशिश करता हूँ थोड़ा ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे तीन था, यहाँ पे आपका पाँच था और इस पोजीशन पे आपका चार था ठीक है। अब आपने एक बार जब रोटेट किया इसे डाउनवर्ड तो आपका क्या क्या मिला, तीन यहाँ पे आ गया, पाँच यहाँ पे आ गया, चार यहीं पे रह गया ठीक है। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप चार वाले पोजीशन को ऊपर लाइए ठीक है, तो चार वाले पोजीशन को जब आप ऊपर लाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तीन तो वहीं पे रहेगा ठीक है, पाँच आपको फ्रंट फेस पे मिल जाएगा और जो फोर है ये आपको टॉप फेस पे मिल जाएगा, तो ये आपको फिगर मिल जाएगा। अब आप सिंपल देखिए कि जैसा ये फिगर था वैसा ही ये भी फिगर बन गया कि नहीं, यहाँ पे भी थ्री सेम पोजीशन पे था, यहाँ मैंने देखा था कि फोर सेम पोजीशन पे था, तो यहाँ हमने थ्री को सेम पोजीशन पाया। इसके बाद हमने देखा था कि वन जो है उसके अपोजिट में टू है, तो यहाँ देखिए फाइव के अपोजिट में टू है, उस तरह से यहाँ फाइव के अपोजिट में थ्री था, तो यहाँ देखिए वन के अपोजिट में फोर है। तो सेम चीज़ को यहाँ पे भी दिखाया गया, बस आपको इसके जगह पे एक नया रूल बता दिया गया, तो आप इस रूल को याद रखिए ज़्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक फंडा नहीं पकड़ना है कि क्यूब को उस पोजिशन पर ही रखना है। यहाँ पर आप क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम के आप सिंपली देख सकते हैं आपका कौन फेस के अपोजिट कौन सा फेस आ रहा है। नेक्स्ट है आपका कि यदि किसी फिगर में आपका दो फेस कॉमन मिल जाता है, तो जो नेक्स्ट फेस दिया हुआ है दो फिगर में, तो उसका नेक्स्ट फेस जो एक दूसरे के अपोजिट होगा। आप ये सिंपल इस तरह समझिए कि आपका यहाँ फोर है, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे फाइव है, दूसरे फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे सिक्स है, आपका जो बच गया है वो क्या है, यहाँ पे फोर बच गया और यहाँ पे थ्री बच गया, तो ये दोनों जो होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ऐसा क्यों होगा, आप सिंपली इस फिगर को भी घुमा के देखेंगे, एक बार डाउनवर्ड घुमाइए, सिक्स इस पोजीशन पे आ जाएगा थ्री के पोजीशन पे और फाइव आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका जो नीचे जाएगा वो नीचे क्या आ जाएगा थ्री। तो आपको आप जैसे ही ये फिगर के अकॉर्डिंग इस फिगर को मूव करने का कोशिश करेंगे तो थ्री आपका नीचे आ जाएगा। यह भी आपका सिंपल इसी रूल पे बेस्ड है, लेकिन आप इसे शॉर्टकट के लिए यूज कर सकते हैं कि जहाँ आपका दो लेटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जो आपका थर्ड लेटर दिया हुआ होगा वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए। मैंने आपको यहाँ बस दो तीन चीज़ें बताई, एक तो आपको ये क्लॉकवाइज वाला याद रखना है कि आप जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो जो आपका फर्स्ट लेटर मिलेगा फर्स्ट फिगर में, वो दूसरे फिगर में जो फर्स्ट लेटर मिल रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सेकंड लेटर जो मिलेगा फर्स्ट फिगर का, वो सेकंड लेटर जो मिल रहा है आपका सेकंड फिगर का, वो भी आपका एक दूसरे का अपोजिट होगा। और यहाँ पे एक बात बताया कि यदि आपका एक फिगर दिया हुआ है उसमें से चार फेसेस आपको मिले हुए हैं एक फेस के एडजेसेंट वाले, तो जो बच गया है जो फेस वो आपका अपोजिट फेस होने वाला है ठीक है।
इसके बाद आप इसको याद रखेंगे, इसमें मैंने बोला कि दो फिगर है उसमें से यदि दो फेसेस मिल रहे हैं और जो थर्ड फेस है वो नहीं मिल रहा, तो जो थर्ड फेस है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होने वाला है। अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तीन पोजिशन दिया हुआ है एक डाइस का, देखिए यहाँ पे तीन पोजिशन दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि सिक्स के ऑपोजिट में कौन सा फेस होना है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले इस फिगर को, इस फिगर में आपको क्या बोला गया, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है। दूसरे फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे थ्री है। अब इन दोनों फिगर में कुछ कॉमन चीज़ है आइडेंटिफाई कीजिए, यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे भी सिक्स है, यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे सिक्स है, मतलब दो फेस हमें मिल चुके हैं। थर्ड फेस जो है इसका टू और इसका फाइव, ये दोनों का वेरी कर रहा है। ठीक है, लेकिन इससे हमें क्या पता चला कि टू और फाइव जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि सिक्स के ऑपोजिट क्या होगा, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए जो सेकंड फिगर है, उस सेकंड फिगर में आपका थ्री जो है और फाइव जो है वो आपका थर्ड फिगर का थ्री और फाइव के साथ कॉमन है। बच क्या गया, इसका थर्ड फेस सिक्स और इसका जो थर्ड फेस है वो है फोर, तो इसका मतलब हो गया कि सिक्स और फोर ऑपोजिट होंगे। ये कैसे बनाया हमने, ये बनाया हमने फोर्थ रूल के अनुसार, तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। इसमें देखिए मैंने यहाँ जो फोर्थ रूल आपको बताया था वो फोर्थ रूल था सेम कि यदि आपका दो फेस जो है वो मिल जाता है तो जो आपका थर्ड फेस बच गया दोनों फिगर का वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में भी आपको बोला गया कि आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द टॉप इज एट थ्री, मतलब जब ऊपर में आपका तीन होगा तो नीचे में आपका क्या होगा बताइए। तो ये सिंपली आपसे यही पूछ रहा है कि बॉटम के नीचे क्या होगा, तो ये सिंपली आपसे ऑपोजिट पूछ रहा है क्योंकि आपका टॉप के ऑपोजिट क्या होता है बॉटम, तो आपको थ्री का ऑपोजिट ढूंढना है कि थ्री के ऑपोजिट क्या होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थ्री है और थ्री के अगल बगल का दो फेस मिल गया हमें यहाँ सिक्स और टू। ठीक है, सिक्स मिल गया, टू मिल गया, यहाँ पे फिर से आपका थ्री है और थ्री के अगल बगल जो एडसेंट है वो मिल गया आपको वन और फोर। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको एक फिगर के एडजेसेंट वाले चार फेस मिल जाते हैं तो जो लास्ट बच गया है वो फेस आपका उसके ऑपोजिट जाएगा। देखिए थ्री के ऑपोजिट क्या जा रहा है, आपको अगल बगल में क्या मिल गया, वन मिल गया, टू मिल गया, थ्री तो मेरा खुद का फेस है, ठीक है, फोर मिल गया है और फाइव छूट गया आपका और सिक्स आपको मिल गया है। इसका मतलब है कि जो फाइव आपका छूट गया यही आपका थ्री के ऑपोजिट जाएगा और थ्री यदि टॉप में रहेगा तो फाइव आपका बॉटम में जाएगा और आपका ये ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसएससी सीपीयू में पूछा गया था 2013 में। इसमें देखिए इसमें क्या पूछा गया, टू फेस शोइंग टू, दो के ऑपोजिट में क्या जाएगा ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए दो के एडजेसेंट में क्या मिल रहा है, दो के एडजेसेंट में आपको सबसे पहले मिल रहा है सिक्स और दूसरा मिल रहा है फोर। इस फिगर से आपको दो के एडजेसेंट में क्या क्या मिल रहा है, थ्री मिल रहा और फोर मिल रहा, तो फोर तो ऑलरेडी हमने लिख लिया, तो नेक्स्ट लिख लेते हैं थ्री। इस फिगर में टू नहीं दिख रहा, फोर दिख रहा। अब इसे स्किप करते हैं, हम लोग दूसरे रूल से चल रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पे टू दिया हुआ और टू के एडजेसेंट में क्या मिल रहा है, वन और थ्री, थ्री तो हमने पहले ही लिख लिया, वन लिख लेते हैं। तो देखिए जो सेम रूल अभी जिससे हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था उससे यहाँ भी बन जाएगा, वन तो हमें मिल रहा है, टू हमारा खुद का नंबर है जिसके ऑपोजिट हमें खोजना है, थ्री मिल गया, फोर मिल गया, बच क्या गया फाइव, और सिक्स तो हमारा मिल ही गया है, तो हमारा ये जो फाइव है ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि टू के ऑपोजिट में क्या जाने वाला है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन दिया हुआ है आपका, इसमें से बताइए कि एक्स के जगह पे क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये जो मैं आपको फिगर बताया था पहले कि डाइस को खोलते तो किस तरह का फिगर बनता है वो बनाया। इसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फोर थ्री, और जब आप यहाँ पे फोर और थ्री को खोलेंगे, फोर थ्री टू का जो डाइस है तो उसमें कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे फोर मिलेगा, यहाँ पे थ्री मिलेगा और साइड में आपको टू मिल जाएगा, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे टू डाल लिया। इसके बाद का जो फिगर है इसमें सिक्स और फोर अगल बगल दिख रहा है, तो सिक्स और फोर अगल बगल दिखने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो सिक्स को यहाँ आना है या फिर यहाँ पर आना है, ठीक है, तो इसे मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। इसके बाद का जो फिगर है उसमें बोल रहा है सिक्स फाइव और वन, ठीक है, तो इसे बता रहा है सिक्स फाइव और वन एक दूसरे के अगल बगल आने हैं, तो इसी तीनों फिगर में कहीं कहीं वो आएंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे डालता हूँ सिक्स, यहाँ पे फाइव और यहाँ पे वन डाल लेता हूँ, फाइव वन अगल बगल में है और सिक्स जो है
वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। आगे 4, 3, 2 है, तो ये आपका सेम है, इसी तरह का फिगर को फिर से ये इंडिकेट करेगा। अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि बताइए कि एक्स के जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स के जगह पे क्या आएगा, आपको बोला गया है 6 और 4, और जो एक्स है वो एक दूसरे के अगल बगल है। तो यहाँ पे देखिए यदि आप 6 और x को खोलते हैं तो 4 आपका साइड में जाएगा, ठीक है। तो यदि हम 6 को और x किसको मानेंगे, x तो हम इसी को मान सकते हैं क्योंकि यही इसके सीधा है, ठीक है। तो आपका 4 जो है वो इधर साइड में जा रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बच गया, x के जगह पे क्या आ रहा है, x के जगह पे आपका आ रहा है 3, तो आपका इसका आंसर होगा 3, ठीक है। इस तरह से आपको जो फिगर है उसको खोलना है और उसमें खोल के एक एक करके वैल्यू को पुट करना और आपको मिल जाएगा। बस ये चारों कंडीशन जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये चार कंडीशन जो दिए हुए हैं, ये चारों कंडीशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। और नेक्स्ट जो फिगर है इसमें आपको बोल रहा है कि बताइए कि जो 3 डॉट वाला फेस है वो यदि टॉप में होगा तो आपका बॉटम में कौन सा होगा, मतलब आपको 3 डॉट का अपोजिट में क्या आएगा वो पूछा जा रहा है। तो आप ये दोनों फिगर में कुछ कॉमन चीज़ आइडेंटिफाई कीजिए, जैसे यहाँ पे एक 6 डॉट का फेस दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक 6 डॉट का फेस दिया हुआ है, तो आप बस इसे पकड़ लीजिए और वो क्लॉकवाइज वाला जो रूल था उसे लगा दीजिए। तो क्लॉकवाइज यहाँ से घूमेंगे तो ये हमें मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन, ये मिल रहा है सेकंड पोजीशन। यहाँ से भी आप क्लॉकवाइज घूमिए तो आपको ये जो 4 है ये आपको मिलेगा फर्स्ट पोजीशन पे, और ये जो 5 है ये आपको मिलेगा सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे जो यहाँ पे है और जो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने हैं। तो यहाँ पे 3 है और 3 के अपोजिट क्या होना है, 5, तो आपका इसका आंसर मिल गया आपको 5, ठीक है। 5 3 के अपोजिट है। और देखिए ये क्वेश्चन SSC FCI 2008 में पूछा गया था, ये थोड़ा अलग है। अभी तक हमने डॉट और नंबर्स को देखा है, ये हमको मिल रहा है लीटर्स का, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि आप बताइए कि वी के अपोजिट फेस में क्या होगा। तो वी के अपोजिट फेस जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने क्लॉकवाइज वाला रूल, यहाँ भी क्लॉकवाइज वाला रूल चलेंगे और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए जे के बाद आई मिला, इसके बाद वी मिला, ठीक है। यहाँ से भी देखिए जे के बाद यू मिला और यहाँ पे एस मिला। ये जो आपको मैंने एक जो इससे पहले जो आपको रूल बताया था, जिसमें बताया था कि यदि सेम पोजिशन पर है, ठीक है, कोई लेटर है जो कि सेम पोजिशन पर है, तो बाकी के जो लेटर सेम पोजिशन पर रखे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जे देखिए जे अपने सेम पोजीशन पे है, डाइस भी सेम पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो आई यू के उल्टा हो जाएगा और वी एस के उल्टा हो जाएगा, तो आप दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको कलर के बारे में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको SSC DU 2008 में पूछा गया था, और इसमें भी आपसे पूछा गया है कि ग्रीन कलर के अपोजिट में क्या होगा बताइए। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ ग्रीन दिख रहा है और यहाँ पर रेड है, ऑरेंज है, तो आप यहाँ पर भी सेम देखिए, यहाँ पर भी ग्रीन है, ऑरेंज है और वाइट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो आपका ग्रीन है उसके अगल बगल क्या है, रेड है, ऑरेंज है, वाइट है, और क्या आपको मिल रहा है, इसमें तो आपको ग्रीन दिया हुआ नहीं है। यहाँ से देखिए और आपको क्या मिल रहा है, रेड तो मिल गया है ऑलरेडी, सिल्वर मिल रहा है, मतलब सिल्वर, वाइट, ऑरेंज, रेड, ये चारों कलर जो हैं, ये चारों कलर तो आपके ग्रीन के अगल बगल हैं, एडजेसेंट में है। तो बच कौन सा गया, बच गया आपका वायलेट। तो जो वायलेट बच गया है ये आपका होगा ग्रीन के अपोजिट फेस पे, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें आपको बोला गया है कि एक नेट दिया हुआ है, इससे आप क्यूब बना के दिखाइए और वो किस तरह का फिगर बनेगा वो बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप है, तो इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो अपोजिट फेस वाला नियम था उसे लगाते हैं, हमने बोला था कि एक को छोड़ के एक जो होगा वो अपोजिट होगा, इसमें भी एक को छोड़ के एक अपोजिट होगा और इसका अपोजिट ये वाला होगा। अब आप देखिए जो फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर में क्या बोल रहा है कि आपका जो बार दिया हुआ है, बार जो है वो सर्कल के साथ एडजेसेंट में है, तो बार और सर्कल एक दूसरे के साथ एडजेसेंट में यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। इसके बाद आपको बोल रहा है बार और जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के एडजेसेंट में है, तो बार और ट्रायंगल एक दूसरे के एडजेसेंट में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको तीसरा जो मिल रहा है यहाँ पे वो है कि सर्कल और ट्राइंगल जो है वो एडजेसेंट में है, तो आप देखिए सर्कल और ट्राइंगल ये दोनों एडजेसेंट में हो सकते हैं क्या, ऑब्वियसली ये दोनों भी एडजेसेंट में हो ही सकते हैं। ये जो फिगर है ये आपका सही हो गया। आगे भी देखते हैं बी के साथ क्या है, बी में आपका देखिए जो बार दिया हुआ है और जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो एक दूसरे के एडजेसेंट में बताया जा रहा है, तो बार और ट्राइंगल एक दूसरे के एडजेसेंट में यहाँ से हमें पता चल रहा है।
ठीक है। और नेक्स्ट बोल रहा है बार और जो रेक्टेंगल है वो भी एक दूसरे के एडजेसेंट में है, लेकिन हमने यहाँ देखा कि बार और रेक्टेंगल एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो ये फिगर आपका गलत हो गया, दो आपका नहीं हो सकता है जो बी है। इसके बाद आपका है जो कलर्ड ट्रायंगल है और जो आपका अनकलर्ड ट्रायंगल है, ये दोनों एडजेसेंट में, तो ये चीज़ तो यहाँ से मिल रहा है, तो ये चीज़ आपका सही है। इसके बाद बोल रहा है कि जो कलर्ड ट्रायंगल है वो आपका स्टार के एडजेसेंट में, लेकिन यहाँ पे कलर्ड ट्रायंगल एडजेसेंट नहीं हो सकता है स्टार का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मतलब आपका सी भी जो है वो गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता। इससे डी को ये देखेंगे तो यहाँ पे भी बोल रहा है आपको स्टार और ट्रायंगल ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट में है, तो जो स्टार है और जो ट्रायंगल है एडजेसेंट में हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं। इसके बाद बोल रहा है जो ट्रायंगल है और जो आपका सर्कल है वो एक दूसरे के ऑपोजिट में हो सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो सर्कल है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एडजेसेंट में नहीं हो सकते हैं। मतलब आपका डी जो ऑप्शन है ये भी आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या मिला आपको सही, ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि बताइए कि इसमें कितने सारे क्यूब्स हैं। तो इसको गिनने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, कुछ लोग बेस से गिनना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग ऊपर से गिनना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग साइड से गिनना स्टार्ट करते हैं और साइड से गिनते हुए ऐसे जाते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ऊपर से गिनिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और साइको वगैरह में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऊपर से गिनने क्या करेंगे, आपका जो टॉप फेस पर उसमें कितने फेस हैं वो गिनिए। तो इसमें जो आपका सबसे टॉप लेयर है सबसे ऊपर वाला उसमें कितना क्यूब है ये गिनिए, तो इसमें एक क्यूब है। इसके बाद का जो आपका सेकंड लेयर है इसमें कितने सारे क्यूब हैं, तो आपको यहाँ दो क्यूब दिख रहे हैं और जो टॉप का क्यूब था वो किसी क्यूब पे रखा हुआ है, तो आपको उससे काउंट करना है, बस उसी को काउंट करना हमारे लिए यहाँ पर दिक्कत वाला चीज़ होता है। लेकिन आप जब ऐसे क्वेश्चन एक दो बनाएंगे तो आप इसके लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे और बहुत ही ईजिली बना पाएंगे। तो आप उसे काउंट करेंगे तो आपको यहाँ दो दिख रहे हैं और एक आपका हिडन है, तो यहाँ पर आपको तीन मिला जो आपका सेकंड लेयर का है। इसके बाद के लेयर के लिए देखेंगे आप तो जो आपका थर्ड लेयर है इसमें कितना मिल रहा है, तीन तो बाहर दिख रहा है और तीन जो है वो हिडन है, जिसको कि सेकंड वाला लेयर जो है वो हाइड करके रखा हुआ है, तो इसे कितना मिल गया, तीन और तीन छः मिल गया। उस तरह से यदि आप फोर्थ लेयर पे आएंगे तो फोर्थ लेयर पे आपको चार जो हैं वो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं और आपके हिडन कितने हैं, छः आपके हिडन हैं, मतलब यहाँ पर छः और चार दस टोटल दिख रहा है। तो आप चारों लेयर को ऐड कर दीजिए, टोटल क्यूब्स पता चल जाएगा, तो थ्री और फोर, फोर और सिक्स टेन, टेन और टेन ट्वेंटी, मतलब आपके यहाँ टोटल कितने क्यूब्स हैं, यहाँ पे टोटल क्यूब्स हैं ट्वेंटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका पेंटेड क्यूब को लेके क्वेश्चन पूछा गया है कि एक क्यूब है जो कि रेड कलर से सारा फेस को पेंट कर दिया गया, इसके बाद इसको 64 स्मॉलर क्यूब्स में बांटा गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्यूब ऑब्टेंड हुए हैं जो सेपरेट क्यूब्स उसके बारे में कुछ बताइए। तो हमें इसमें सबसे पहले निकालना होगा कि एन कितना आएगा, एन तो निकालेंगे लेकिन हमें यहाँ दिया हुआ क्या है कि टोटल क्यूब्स जो बने वो 64 बने, तो यहाँ ऐसा कोई क्यूब होगा, बड़ा सा क्यूब होगा और इस क्यूब को कट किया गया, तो इस क्यूब को 64 क्यूब्स में बनाने के लिए कैसा कैसे कट किया होगा। सबसे पहले तो लेंथ को कट किया गया होगा, कितने टाइम्स कट किया गया ये हमें नहीं पता, लेकिन सिर्फ लेंथ को कट करता मतलब 64 टाइम्स कट किया जाता, लेकिन क्या किया गया, सिर्फ लेंथ को कट करने से क्यूब बनेगा नहीं, ब्रेथ को भी कट करना होगा। तो ब्रेथ को कट करेगा इसका मतलब है कि दो बार किसी चीज़ को मिलाया गया, तो इसे हम लोग रूट कर दिए, लेकिन सिर्फ लेंथ और ब्रेथ करने के बाद भी हमारा क्यूब नहीं बनेगा, अभी हम लोग का जो है वो बन जाएगा क्यूबॉइड। तो इसका हाइट को भी कट किया गया होगा और हाइट को कट किया गया मतलब इसे तीन बार कट किया गया, तो हम लोग इसका निकालेंगे क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट आएगा 4। इसका मतलब है कि एक जो बड़ा क्यूब है उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट इच को चार जगह पर काटा गया है इक्वल पार्ट में, तब जाके हमारा छोटा छोटा क्यूब बना है जो कि 64 नंबर है। ठीक है, इसका मतलब n क्या होगा, n में हमने यदि माना कि हमारा जो छोटा क्यूब है उसका एक साइड एक सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपका जो बड़ा क्यूब है उसका एक साइड कितना होगा, 4 × 1, क्योंकि एक साइड को बनाने के लिए आपका चार क्यूब लगा हुआ, तो n इक्वल टू आपका कितना आ गया 4। ठीक है, तो n जब हमें पता चल गया तो बाकी क्वेश्चन हम इजिली बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड, ऐसे कितने सारे क्यूब होंगे, तो एटलीस्ट लगा दिया एक वर्ड है यहाँ पे, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब है कि दो सरफेस भी पेंट हो सकता है या तो दो से ज़्यादा, तो दो से ज़्यादा कितने पेंट हो सकते हैं, तीन सरफेस पेंट हो सकते हैं, तो तीन सरफेस कितने सारे छोटे छोटे क्यूब्स के पेंट होते हैं कॉर्नर वाले के, तो कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर होते हैं एट, तो एट तो ये होंगे। इसके बाद आपको पूछ रहा है कि स्मॉलर क्यूब्स में जो दो सरफेस पेंट है, तो दो सरफेस पेंट करने का क्या फॉर्मूला था, एन माइनस टू इंटू 12, यही फॉर्मूला था, तो n कितना आया, n आया 4, तो 4 में से जाएगा माइनस टू, तो आपका क्या बचेगा, 4 में से माइनस टू होगा तो आपका बचेगा 2,
टू इंटू ट्वेल्व करना होगा और प्लस में करना होगा आपको एट। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ट्वेल्व इंटू टू कितना आएगा, ट्वेंटी फोर प्लस एट, ट्वेंटी फोर प्लस एट कितना हो गया, थर्टी टू। तो आपका जो थर्टी टू है सी नंबर ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने सारे स्मॉलर क्यूब हैं जिसका दो सरफेस ही पेंट किया गया। तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला, उसमें से सिर्फ एट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, थर्टी टू माइनस एट करेंगे तो आपका मिल जाएगा आपको ट्वेंटी फोर। बस ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट जो आपसे पूछा वो है कि कितने सारे ऐसे क्यूब्स हैं जिसका कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस पेंट किया गया। तो एक सरफेस पेंट किया गया, उसे निकालने क्या फॉर्मूला था, एन माइनस टू द स्क्वायर इंटू सिक्स। तो इसे निकालिए, एन माइनस टू करेंगे तो फोर माइनस टू हो जाएगा, फोर माइनस टू का स्क्वायर करेंगे इंटू सिक्स करेंगे तो एन माइनस टू, फोर माइनस टू किया तो फोर माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो टू इंटू टू इंटू सिक्स। तो टू टू जै फोर और फोर सिक्स जै ट्वेंटी फोर, तो आपका आ गया बी नंबर ऑप्शन। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर में समझ में आया होगा कि क्यूब और डाइस का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा लगा होगा, आप अब क्यूब और डाइस के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और क्यूब और डाइस के और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उससे और भी सारे क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कमांड बनाइए इस पर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।